बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं साजिद रिज़वी आप सबका खैर मकदम करता हूँ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में। जी हाँ नाज़रीन, इस प्रोग्राम के बारे में आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, यानी मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का भी यकीन है कि आप सुबह से सोच रहे होंगे कि आज हमारे प्रोग्राम एक मौका में कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और क्या सवालात लेकर आ रहा है। साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज एक मौका में कौन आलिम है जो इनके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये एक इंतज़ार की घड़ी होती है, हर वक्त जो है इंसान इंतज़ार करता है कि एक मौका में कौन आने वाला है और क्या सवाल होंगे, इंटरेस्टिंग सवाल हैं या नहीं हैं, या क्या सवालात हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे कि नहीं होंगे। जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई और शख्सियत नहीं, एक मौका में पहली बार एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ आ रही हैं जो एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, कहीं और से नहीं बल्कि बहुत ही फेमस स्टेट एक ऐसा राज्य कर्नाटका बेंगलोर सिटी से हमारे साथ इस प्रोग्राम एक मौका में जुड़ने जा रही हैं शाजिया हुसैन का। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का साथ ही साथ आगाज भी करते हैं। सिस्टर सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। सिस्टर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो एक प्रोग्राम है एक मौका आप और आपके सवाल में, आपने इतने अच्छे सवालात भेजे हमें कि आपको ये मौका मिला आप यहाँ पर आई। तो सबसे पहले जो एक हम सबसे पूछते हैं कि आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, बहुत इत्मीनान के साथ मैं बैंगलोर तक बॉम्बे तक पहुंची। चलिए अच्छा रहा सफ़र, और जाहिर सी बात है अगर मंजिल अच्छी हो तो सफ़र भी अच्छा ही होता है उम्मीद के साथ। लेकिन शाजिया मैं पूछना चाहूँगा कि आपके बारे में खासकर हमारे नाज़रीन सोच रहे होंगे कि आप क्या करती हैं, जैसे हमने कहा कि आप एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, कौन सा स्कूल है, क्या उसमें आपकी जो है प्रिंसिपल एजा है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो कैसा आप फील करती हैं आप? बैंगलोर में हमारी स्कूल है जिसका नाम है ब्राइट स्टार और शम्स स्कूल। ओके। हम तालीम देते हैं बच्चों को इसलिए क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है कि ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों, इसलिए हमारी ग्रुप ऑफ स्कूल चलते हैं बैंगलोर में। ओके, ग्रुप ऑफ स्कूल है जो उसके अंदर चलते हैं ये स्कूल। ओके शाजिया मैडम, आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और हमें अच्छा भी लगा क्योंकि मिसाली ख़वातीन होना चाहिए हमारे समाज में, और ऐसी ख़वातीन होना चाहिए जो समाज को जो है बुलंदी की ऊंचाई पे ले जाएं, उनको आगे बढ़ाएं। तो एक बहुत ही अच्छा मौका था जो एक मौका मिला आपको, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि एक मौका में आना चाहिए? इसलिए कि ये मुझे ऐसा लगा इसलिए कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों की सोच को एक करने के लिए। शहर शहर से लोग अपने सवालात भेज रहे हैं यहाँ पे, और मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे एपिसोड मैंने देखे हैं, तो उसमें मुझे इसलिए ऐसा फील हुआ कि एजुकेशन के बारे में खास के बात करें तो काफ़ी अच्छा होगा, और लड़कियों की एजुकेशन के बारे में। जी जी बिल्कुल। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो हर सोच के लोगों को एक मौके के प्रोग्राम तक ला रहा है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि लोग आएंगे, लोग अपने सवाल लेंगे, ये एक सवाल नहीं है बल्कि एक सवाल से कई सवाल निकलते हैं और कई लोगों को फायदा भी होता है। लेकिन सिस्टर साजिया, अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे क्योंकि आप एक जो है लेडीज़ हैं और एक प्रिंसिपल भी हैं, कर्नाटक से यहाँ तक का सफ़र यानी बैंगलोर से मुंबई का सफ़र, आपकी फैमिली की क्या सोच थी, आप किसके साथ यहाँ पर आई हमारे प्रोग्राम में? बेसिकली मैं कलकत्ता से हूँ लेकिन मेरा ससुराल बैंगलोर है। मेरे हस्बैंड जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो एक औरत के लिए बहुत खुशनसीब बात है कि उसके हस्बैंड उसे सपोर्ट करें और आगे लाने की कोशिश करें, तो एक अच्छी चीज़ है। और ये आपने बहुत बेहतरीन पॉइंट कहा है कि अगर नाज़रीन देखा जाए कि पार्टनर होते हैं एक दूसरे को, अगर सपोर्ट करते हैं तो एक हैप्पी लाइफ जो है एक देखा जाए ब्राइट फ्यूचर अगर देखा जाए तो वो निकल के सामने आता है। तो मैं आपके हस्बैंड को भी यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप यहाँ पर आए, साथ साथ लेकर आए, एक सफ़र में हम सफ़र बने किसी का, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे आपने हमने देखा कि आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और साथ साथ अगर क्वेश्चंस की हम बात करें तो उसमें एक चीज़ ये देखने की है कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर एजुकेशंस के ऊपर टच कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसको मैं आज आवाज़ देने जा रहा हूँ वो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह आप यहाँ पर तशरीफ़ रख सकती हैं, आप बैठ सकती हैं यहाँ पर। तो जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर सिस्टर शाजिया जो है हुसैन यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी हैं और उनके एक बहुत ही अच्छे सवाल हैं, लेकिन आपके लिए वो इंतज़ार करना होगा कि क्या सवाल आते सुनने के लिए। लेकिन वक्त हो चला है सिस्टर शाजिया के सवालों का जवाब देने के लिए, हम एक आलिम को बुलाएं जो इनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज एक मौका में कौन आने वाला है, जिनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुश्किल से मुश्किल सवाल हो उसका जवाब बेहतरीन तरीके से आसान दे देते हैं, जो एकदम लॉजिकल वे में इंसान को समझ में आता है, जिनको पूरे रमज़ान आपने सुना और हमारे चैनल विन पे हमेशा उनके प्रोग्राम आते रहते हैं, जिसको आप बेहतरीन तरीके से सराहते रहते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि ईरान कुम से हमारे प्रोग्राम एक मौका में तशरीफ़ लाए हैं अली अब्बास खान साहब। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम एक मौका में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। शायद आप बैठ सकती हैं जी, बिल्कुल तशरीफ़ रख सकती हैं। मौलाना साहब, हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में तशरीफ़ लाए। और ये कहने की बात है कि जैसा आपके प्रोग्राम थे, जैसे लेक्चर थे, लोगों ने बहुत सराहा, और ख़ासकर आज मैं बोलना चाहूँ सिस्टर शाजिया आज खुशनसीब हैं कि आप उनके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी आपकी खिदमत में और नाज़रीन की खिदमत में और ख़ास शाजिया की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि जो इनके सवालात हैं और जो नाज़रीन की तवक्को है वो पूरी हो सके। अच्छा मौलाना साहब, ये प्रोग्राम एक मौका है, सब हमारे नाज़रीन बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। ये प्रोग्राम में क्या होता है कि हिंदुस्तान का किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, कहीं पे भी रहने वाला कोई भी शख्स हो, वो अपने सवालात हमें भेजते हैं, हम उनके सवाल को सिलेक्ट करते हैं, चैनल उनकी टीम सिलेक्ट करती है, फिर उनके बाद हम उनको बुलाते हैं और यहाँ पर वो अपने सवाल पूछते हैं। तो हमारे प्रोग्राम एक मौका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये किस तरीके का प्रोग्राम है? इंशाल्लाह कि जिस तरह आपने इस प्रोग्राम को बनाया है और आप ख़ुद सवाल करने वाले को मौका देते हैं कि वो आए और आलिम से अपना सवाल करे, इससे बहरहाल नाज़रीन और ज़्यादा जुड़ते हैं, उनकी समझ में आता है कि बहरहाल, क्योंकि एक अलग से अगर कोई सवाल करता है, यानी सवाल करने वाला कोई होता है और सवाल किसी और का होता है जी, तो शायद वो उस तरह से सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि उसको नहीं पता कि उस सवाल के पीछे क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर है। लेकिन जब ख़ुद जिसका सवाल है वो आके पूछ रहा है तो सवाल भी क्लियर होता है और जवाब देने वाला भी मुतमईन होता है कि मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि जो सामने वाला मुझसे पूछ रहा है। यानी आप कहने का मतलब है दोनों पहलू एकदम साफ हो जाते हैं, एकदम साफ। सवाल पूछने वाला भी मौजूद है और जो सवाल है उसके ऊपर भी ओके पूरा क्लियर। चलिए मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, मैं आपको बता दूँ, ये बैंगलोर से तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम एक मौका में, जो कि एक प्रिंसिपल हैं, और हमें खुशी इस बात की हुई जब इनके सवाल भेजे थे कि बहुत ही अच्छे सवालात हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके जवाब से मुतमईन होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मौलाना साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ रख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बेंगलोर से तशरीफ़ लाएँ शाजिया हुसैन, जो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। देखना होगा कि उनके क्या सवालात हैं और उनका जवाब देने के लिए अब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अली अब्बास खान साहब, जिनके बारे में मैंने कहा है कि बड़े से बड़े सवाल को एकदम छोटे से छोटे जवाब में, और जैसे अगर कहा जाए कि समुंदर को कूजे में जो है समा लिया जाता है, वैसे इनके जवाब होते हैं। लेकिन देखना होगा कि आज ये किस तरीके से शाजिया, सिस्टर शाजिया के सवालों का जवाब देते हैं और क्या उससे जो है सिस्टर शाजिया मुतमईन होंगी या नहीं। लेकिन मैं आपको इससे मुलाकात करूंगा ये सवालों जवाब के सिलसिले के बाद, लेकिन शर्त यह है कि आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम एक मौका, आप और आपके सवाल। मैं मुलाकात करता हूं इस छोटे से कन्वर्सेशन के बाद। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मां, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप मेरे सवालों के जवाब देने के लिए आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मां साहब, सवाल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ आपके सामने कि उन मदरसों की तरफ रोशनी डालना चाहती हूँ जो मदरसे में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी होते हैं, और क्या मौलाना ये मुमकिन है कि हमारे तमाम उलेमा, तमाम पढ़े लिखे अफराद और जानी मानी हस्ती आगे आकर इस सोच को एक वजूद दें ताकि हमारे बच्चों की तालीम में इजाफा हो सके। क्या ये मुमकिन है मौलाना कि जहाँ पे हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं वहाँ पे हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी ऐड करें? जैसे कि कुछ सब्जेक्ट आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। यकीन मानिए ये एक सही कदम होगा हमारी बच्चों के और बच्चियों की तालीम के लिए, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें और हमारे बच्चे, आने वाली जो जनरेशन है वो एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड जनरेशन आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहिल अतयबीन अल अतहरीन। एजुकेशन के हवाले से जो आपने सवाल रखा कि जो हमारे मदारिस हैं और जहाँ पे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं और दीनी तालीम हासिल करते हैं, अब चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, देखिए दीनी तालीम को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए हमें कुछ ज़राए की ज़रूरत है जी। यानी जब एक बच्चा जा रहा है दीनी तालीम हासिल करने के लिए और वो दीन के बारे में जानता है, अपनी उम्र का एक हिस्सा लगाता है, दीन को सीखता है, तो सिर्फ़ वो ख़ुद दीन को समझने के लिए नहीं गया है, बल्कि उसका मकसद ये है कि जब वो ख़ुद दीन को समझ ले तो
تو اب ایک قدم آگے بڑھ کے جو اس نے دین کو سمجھا ہے وہ پبلک کو بتائے. کیونکہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ, تمام پبلک اس طرح سے دین حاصل نہیں کر سکتی ہے کہ جس طرح سے ایک الگ سے ایک انسان جا کے سیکھتا ہے. اب جب یہ دین کو سیکھ چکا اب اس کو یہ پہنچانا چاہ رہا ہے تو آپ کی بات بالکل مناسب ہے کہ وہ ذرائع جن سے آپ دین کو پہنچا سکتے ہیں, چاہے وہ آج دنیا کے جدید ذرائع ہوں, چاہے آپ کی زبان ہوں, چاہے اور دوسرے سورسز ہوں, بے شک ہمیں آنا چاہیے اور بہتر سے بہتر آنا چاہیے تاکہ ہم دین کو بہترین طریقے سے اور اچھے انداز میں پبلک کے سامنے پیش کر سکیں. دیکھیے یہ خود ایک مسئلہ ہے, اور اگر آپ پورے ہندوستان کو نظر میں رکھ کے اس کو سوچیں تو یہ ایک شاید اہم سوال ہے ہمارے لیے. 20 سال بعد آنے والی جنریشن کون سی زبان ہے کہ اس میں ہم اس سے گفتگو کریں گے؟ آج جو زبان ہم جانتے ہیں اس طرح سے ہمارا جوان اس زبان کو نہیں جانتا, جس زبان کو جوان جانتا ہے شاید اس طرح سے اس زبان کو ہم نہیں جانتے. یعنی جو دین کو پہنچا رہا ہے اور جو دین کو لے رہا ہے, جو دونوں کے درمیان لنک اور ذریعہ ہے وہ ہے زبان. اگر دونوں ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو مشکل یہ کھڑی ہوگی کہ سمجھانے والا کچھ کہہ رہا ہے, سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو جدید ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم دین کو اور بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں اس کو ہم سیکھیں. کیونکہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے اور یہ کام کوئی دوسرا کرے گا, جو دین کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سے ہم نے دین کو سمجھا ہے, تو اس میں وہ کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر سکتا ہے, کچھ اس میں کم کر سکتا ہے. اگر وہ ہماری بات کو نہیں سمجھ پایا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو ہٹا دے. اگر وہ ہماری بات کو سمجھ جائے کہ اس میں یہ ایڈ کر دیں گے تو اور بہتر ہو جائے گا, جبکہ ہمیں پتہ ہے وہ بہتر نہیں ہوگا, مسئلہ بگڑ جائے گا. تو لہٰذا یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جو دینی مدارس ہیں انہیں اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ جو جدید ذرائع ہیں اس کو اپنے طلاب کے لیے, اپنے طالب علموں کے لیے فراہم کریں اور وہ اس کو بہتر سے بہتر سیکھیں تاکہ یہ جو دینی سلسلہ ہے پبلک تک پہنچانے کا وہ اور بہتر ہو سکے. ماشاءاللہ مولانا, بہت مطمئن ہوں میں آپ کے سوال جواب سے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں مولانا میرے سوال کے طرف. جی, سچائی یہ ہے کہ جو بچہ اسکول کی پڑھائی میں بہت کمزور ہوتا ہے, فیملی والے یا رشتے دار اس بچے کو ہی زبردستی مدرسے میں ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مدرسے میں نہیں پڑھنا چاہیے, مدرسے میں پڑھ کے تو قابل یافتہ ہوتے ہیں بچے, بڑے بڑے کئی لوگ تعلیم حاصل کیے ہیں اور ایک اونچی مقام پر ہیں. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مدرسے میں جو ایڈمیشن کرانا ہے وہ دوسرا آپشن کیوں ہے؟ پہلے ہی ماں باپ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ایڈمیشن کرائیں گے؟ اور ایک جو بہت ضروری بات ہے مولانا, جو میں نے محسوس کیا ہے کہ 80% بچے غریب فیملی سے ہی ہوتے ہیں مدرسوں میں. دیکھیے مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب ہم کسی معاشرے کو ایک حصے کو لے کے آ کے فیصلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں. آپ ایک بیمار کو اپنے نظر میں رکھیے, ایک آدمی بیمار ہے, اس کو ایک خاص بیماری ہے, مثال کے طور پر اس کے سر میں درد ہے. اب یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو اس کے سر درد کا علاج کر سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا کہ یہ انسان بھوکا ہے, اس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا ہے. اب وہ اس کے لیے میڈیسن دوا کچھ بھی لکھ دیتا ہے. بعد میں توجہ کرنے کے بعد, ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پرابلم کہیں اور تھی. یہ جو آج ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ بھائی ہر چیز کا ڈاکٹر الگ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے جب بیمار اس سچویشن پہ آتا ہے تو وہاں پہ کئی ڈاکٹر آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی پہلے کون آ کے اس بیمار کو سنبھالے گا. ہمارا بھی معاشرہ ایک بیمار انسان کی طرح ہے, بہت سے اس میں بیماری ہیں. اب جب ہم آ کے دینی اینگل سے اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک جواب اس کے لیے لے کے آتے ہیں, وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کا جواب دین کے پاس موجود ہے. اب فی الحال مجھے اس کا آپ کو جواب نہیں دینا ہے کہ میں کیوں اس بات کو کہہ رہا ہوں. یہ بات شاید کئی دفعہ میں ون یا دوسرے چینل سے ناظرین کے لیے اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر دین اسلام کامل ترین دین ہے تو اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جو بھی مشکلات ہیں ہمارے معاشرے کی,
چاہے وہ دینی مشکلات ہوں چاہے وہ دنیاوی مشکلات ہوں، دونوں حوالے سے دین کے پاس اس کا جواب ہے۔ دین خود تو نہیں بتائے گا بلکہ ایک انسان ہوگا جو دین کو سمجھے گا، معاشرے کی مشکلات کو سمجھے گا، اب وہ آگے بتائے گا کہ بھائی اس مشکل کا جواب دین کے پاس ہی ہے۔ ٹھیک، اس کام کے لیے ہم آ کے کچھ لوگوں کو چنتے ہیں کہ جو آئیں علم دین حاصل کریں۔ یہ بتائیے، جو کام یہ بچہ کرنے جا رہا ہے، جس کام کے لیے ہم اس کو چن رہے ہیں، یہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ ایک بے حد مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس بچے کو اس لیول پہ لا کے کھڑا کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ اس معاشرے کی کسی ایک مشکل کو اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، آپ اس معاشرے کی بہت سی مشکلات کو کل اس کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، کہ اور آپ کو توقع یہ ہوگی کہ دین سے آ کے وہ اس کا جواب دے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس کام کے لیے کسی کو چننے جا رہے ہیں، کمزور انسان کو چنیں گے یا طاقتور انسان کو چنیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، جتنا بڑا کام ہوتا ہے ویسے انسان کو چنا جاتا ہے۔ اگر آپ کو 100 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے تو آپ اس کے لیے 5 سال کے بچے کو نہیں لے کے آئیں گے۔ اگر آپ کو 100 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے تو آپ ایک ایسے تندرست انسان کو لے کے آئیں گے جو یہ ذمہ داری سنبھال سکے۔ دیکھیے، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ ہماری عالم دین سے توقع یہ ہے کہ وہ بہتر سے بہتر مجلس پڑھے، بہتر سے بہتر لیکچر دے، بہتر سے بہتر آپ کے سوالوں کا جواب دے، بہتر سے بہتر دین کو سمجھائے۔ یہ توقع کس کی؟ عوام کی۔ ٹھیک، اس کے مقابلے میں دین کی بھی ایک توقع ہے عوام سے، وہ یہ ہے اگر تم ہر جگہ بہتر چاہ رہے ہو تو تمہیں بھی بہتر دینا پڑے گا، تب تو بہتر نتیجہ نکلے گا۔ جب ہم ادھر سے بہترین اپنے سورسز کو دیتے نہیں ہیں دین کے لیے، تو ہم ادھر سے کیسے توقع کرتے کہ جواب صحیح آنا چاہیے؟ بھائی جب آپ ایک کارخانے میں، ایک فیکٹری میں، جب آپ پہلے ہی وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کا جو چیز بن کے نکلنے والی ہے، آپ نے پہلے ہی مال صحیح سپلائی نہیں کیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیوں یہ سیکنڈ آپشن رکھا گیا جیسے آپ نے اپنے سوالات میں سوچا؟ دیکھیے، وہ پرابلم یہ، ہم نے ابھی دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے۔ دنیا کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، ہمیں پتہ ہے اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا تو کل یہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بالکل صحیح، یہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر ہماری بچے کی اچھی جاب نہیں ہوگی تو کل وہ کیا کرے گا؟ دنیاوی معاملات، کیونکہ ظاہری اور مادی معاملات ہوتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آ چکے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس صحیح کوئی دین کو نہیں سمجھانے والا ہوگا تو دنیا تو دنیا، آخرت بھی برباد ہے۔ بالکل صحیح، ہم نے دنیا کو الگ رکھ دیا ہے، آخرت کو الگ رکھ دیا ہے، جبکہ آخرت اسی دنیا کا اگلا حصہ ہے۔ دیکھیے، دنیا ہے، بے شک، دنیا کے بیک پہ کیا ہے؟ آخرت ہے نا، آخرت ہے جی۔ تو بھائی جیسی دنیا ہے، جیسا آپ سمجھوتا کریں گے دنیا کے ساتھ، آخرت اسی طریقے سے بنے گی۔ جس طرح سے آپ دین کو سمجھیں گے، آخرت اسی طرح سے بنے گی۔ تو یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، وہ یہی ہے۔ ہم اس وقت ایک عالم دین سے صحیح توقع رکھ سکتے ہیں جب ہم نے صحیح چیز کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہو۔ بالکل، اس کے لیے ہمیں دو کام کرنا پڑیں گے۔ پہلے ہمیں دین کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا، دوسرے اسٹیج میں ہمیں اس اہم دین کے لیے اپنے معاشرے کے اہم اور سمجھدار اور بہترین بچوں کو بھیجنا پڑے گا۔ بالکل جی مولانا، بہت خوب مولانا، بہت اچھے سے اور بہت آسانی سے آپ نے جواب دیا، شکریہ۔ ایک اور بات میں پوچھنا چاہتی ہوں مولانا، وہ یہ ہے کہ کیوں آج کل ایک اچھے ریپیوٹیڈ اسکول میں ایڈمیشن لینا اتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے پیرنٹس اور بچے دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور کیوں وہ لوگ آر ٹی ای، جسے رائٹ ٹو ایجوکیشن کہتے ہیں، کیوں آخر وہ لوگ اسے اپلائی کرتے ہیں جو فائنینشلی مضبوط ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان غریب بچوں کا حق چھن جاتا ہے؟ اور مولانا ایک بات اسی کے ساتھ اور کرنا چاہوں گی کہ آپ ان نیرو مائنڈڈ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے جن کی سوچ یہ ہے کہ لڑکیوں کی پڑھائی امپورٹنٹ نہیں ہے، لڑکیوں کو ایک دن شادی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ان کو سسرال کی زندگی بسر کرنا ہے اور زندگی بھر کے لیے ایک ہوم میکر بن کے رہ جانا ہے؟ دیکھیے، پھر یہ آپ کا یہ سوال بھی پہلے والے جو اس سے پہلے آپ کا سوال تھا اس سے میں ایڈ کرتا ہوں، مسئلہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں پہلے آ کے یہ دیکھنا چاہیے پرابلم آئی کیوں۔ اگر ہم وہاں سے آ کے شروع کریں تو جواب آسانی سے مل جاتا ہے۔ پرابلم کیوں آئی؟ پرابلم اس لیے آئی کہ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں۔
مالدار انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیسے کے ذریعے سے ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے. بالکل. غریب اب اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے. سامنے ہمارے پاس کچھ فرصت ہے, ہمارے پاس کالج ہے, اسکول ہے, اس میں کچھ معین تعداد کے اوپر آپ کے پاس سیٹس اویلیبل ہیں. بالکل. اگر عقلی معیار کے اوپر آ کے دیکھا جائے کس بچے کو وہاں آنا چاہیے, وہ بچہ کہ جس کے ماں باپ پیسے والے ہیں یا وہ بچہ جو پڑھائی میں اچھا ہے. بالکل. عقلی اعتبار سے ہم اس کو حق دیں گے کہ جو پڑھائی میں اچھا ہے, جو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم آج اس کو موقع دیں گے یہاں پڑھنے کا تو یہ کل آگے جا کے کچھ کر سکتا ہے. صحیح بات. مشکل یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے کہ جو لوگ اسکول اور کالجز چلا رہے ہیں وہ آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس بچے کا ایڈمیشن لے لوں تو جو انکم ہماری ہے وہ کیا ہوگی, بڑھ جائے گی. جی. لیکن وہ اس یہ ہوتا ہے شارٹ ٹرم پروگرام. اب اس شارٹ ٹرم پروگرام کی وجہ سے وہ لانگ ٹرم پروگرام کو آ کے خراب کر دیتے ہیں. جی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے بچے کا ایڈمیشن لے لیتے ہیں کہ جو پتہ ہے کہ آگے چل کے کچھ کرنے والا نہیں ہے. جی. وہ صرف اس پیسے کے بلبوتے کے اوپر چند قدم آگے اور بڑھ جائے گا. جی, بھائی آپ بیساکھی کے سہارے کئے قدم چل سکتے ہیں, ایک قدم, دو قدم, تین قدم, لیکن آخر میں جا کے انسان کہیں گر جاتا ہے. گر جاتا. لیکن اگر یہی جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں اس بات کا فیصلہ لیں کہ نہیں, ہم ایگزام کے ذریعے سے, ہم کمپٹیشن کے ذریعے سے, کسی بھی ذریعے سے, جی, ہم اس سیٹ کو اسے دیں گے, جی, کہ جس کے پاس صلاحیت ہے, جو پڑھ سکتا ہے. جی. اب وہ ہم سے آگے سوال کرے گا, مولانا صاحب آپ نے جواب تو دے دیا لیکن ہمارے اسکول کے اخراجات کو کون اٹھائے گا؟ بھائی آپ نے تو ایک غریب بچہ, پڑھنے میں اچھا تھا لیکن غریب تھا, میں نے اس کا ایڈمیشن لے لیا, لیکن بھائی میرے بھی اسکول کے اخراجات ہیں, میرے بھی خرچے ہیں. اگر میں ایسے چند بچوں کا ایڈمیشن نہیں لوں گا کہ جو پیسے والے ہیں تو میں اسکول آگے نہیں بڑھا سکتا. تو اب یہاں پر سمجھ میں آتا ہے معاشرے کے ان لوگوں کا کردار کہ جن کے پاس پڑھانے کے لیے بچے تو نہیں ہیں لیکن مالی حوالے سے وہ اسٹرانگ ہیں. بالکل. یہاں پہ ان کو آ کے آگے بڑھ کے ایسے بچوں کا ہاتھ سنبھالنا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک بیلنس ہے معاشرے کے اندر وہ بنے. تو سب سے پہلے جو لوگ اسکول چلا رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح سے سمجھیں. جی. دوسرے اسٹیج پہ وہ لوگ جو اس طرح کی فائنینشلی مدد کر سکتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. جب یہ دونوں کا لنک آپس میں جڑ جائے گا تو جو آپ کا پہلا سوال تھا وہ ایک حد تک کہ ہمارے معاشرے میں یہ مشکل سالو ہو سکتی ہے. جی. اسی کے آگے جو آپ نے سوال ایڈ کیا تھا لڑکیوں کے حوالے سے. جی. اور خواتین کے حوالے سے کہ ان کی ایجوکیشن اور ان کی پڑھائی, کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہمارا کہ لڑکیوں کی پڑھائی کے اوپر کوئی توجہ نہیں ڈالی جا رہی ہے. بالکل, مطلب کہ ہاں پڑھ لیا تو پڑھ لیا, کلاس ٹین پڑھ لیا, یہی بہت بڑی بات ہے. اب بچی کی شادی کرا دیں اور بچی کو سسرال بھیج دیں, جیسے کہ شادی کرانا ایک سب سے بڑا آسان کام ہے, بلکہ شادی کے بعد اور بھی زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. نہیں دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس اینگل سے آ کے ایک خاتون کو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ایک عام بات ہے پورے ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں. آپ کہیں چلے جائیں, خصوصاً مسئلہ بڑا ٹیڑھا وہاں پر ہو جاتا ہے جب ایک فیملی دیندار ہوتی ہے. جی. دیندار فیملی کے ہمارے معاشرے میں پہچان یہ ہے کہ وہ ان سب کاموں میں جتنی پیچھے ہوگی اتنی دیندار ہے, جبکہ دین بالکل اس کے الٹا کہہ رہا ہے. جی. جتنا معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا اتنا دیندار ہے. جی. اب ہم ایک اینگل سے آ کے خاتون کو دیکھتے ہیں, وہ کیا ہے, ہم نے خاتون کو آ کے اس لباس میں دیکھا ہے کہ اس کا کام کیا ہے. اس کا کام یہ ایک اچھی بیوی ہو. جی. اس کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں اچھے سے رہے, گھر کے کام اچھے سے کرے. جی. لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ اس خاتون کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اچھی ماں ہو. جی. سب سے بڑی ذمہ داری خاتون کی یہ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اب یہ خاتون ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہے, وہ اچھی ماں کا کردار کیا ہے, کیا ذمہ داری ہے؟ اچھی ماں کی ذمہ داری اچھی اولاد کی تربیت, پرورش کرنا. پرورش کرنا, ٹھیک ہے. یہ ماں کب اچھی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے؟ جب اس کو اپنی اولاد کی ضرورت پتہ ہو اور اس کو سالو بھی کر سکے. بچے کو آپ نے اسکول بھیجا. جی. بچہ جو ہے وہ 10 اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے, آیا گھر پہ, اب وہ ہوم ورک کرنا چاہ رہا ہے. اب ہوم ورک کرنے کے لیے ماں اس کی مدد نہیں کر سکتی, کیونکہ معذرت کے ساتھ ہم ایک دیندار گھرانے سے خاتون کو لے کے آئے ہیں اور ہم یہ بھول چکے ہیں کہ آج ہمارے بچے کو تربیت کرنے کے لیے جہاں دین کی ضرورت ہے وہاں علم کی بھی ضرورت ہے. اب یہاں پہ مشکل کیا کھڑی ہوتی ہے,
माँ तो मदद नहीं कर सकती, बाप बाहर काम पे जा रहा है, जी। आप अलग से आके उसके लिए किसी का इंतजाम करते हैं, ट्यूशन टीचर वगैरह, आइए कोई एक ट्यूशन टीचर को आप लगाते हैं। अब ट्यूशन टीचर आया, ये एक घंटा टाइम ले रहा है ना, बिल्कुल, ये एक घंटा बहुत आसानी से जहाँ पे बाप माँ और बच्चे का रابطہ बढ़ सकता था वो रابطہ कट गया। देखिए एक 24 घंटे में हम एक बच्चे की लाइफ को देखें, ये बच्चा सुबह सो के उठा, माँ ने उसको नाश्ता कराया, स्कूल भेज दिया, स्कूल से वापस आया, इसने शायद एक घंटा दो घंटा इसने आराम किया, फौरन जो है वो जो आपने उसके लिए एक टीचर का इंतज़ाम किया था वो आ गया, उन्हीं ने आके जो उसको होमवर्क कराया, जो भी उसको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद बच्चा गया खेला कूदा, जो भी है टीवी देखा, जो भी करना था उसे सो गया। ये बताइए 24 घंटे में कितनी देर वालिदैन और बच्चे का आपस में रابطہ रहा। बच्चा जब सुबह जा रहा था तो उस वक्त गया कि जब उसका यानी उसके वालिद सो रहे थे, बिल्कुल, जब वो वापस आया तब उसके तो वालिद बाहर थे, बिल्कुल। एक हफ्ते में एक दिन मिला, इसीलिए आप जो छुट्टी होती है उसको बहुत अहमियत दी जाती है, क्यों, क्योंकि अभी पूरे हफ्ते में तो हमारी मुलाकात होती नहीं, तो एक हमें संडे मिला इसमें हम आपस में जी सकते हैं। खूब ये जो हमारी लाइफ बनी है ये क्यों ऐसी बनी, क्योंकि हमने एक सवाल का अपनी ज़िंदगी में जवाब ये नहीं दिया कि माँ का किरदार क्या है जी। अगर हमने अपनी माशरे की माओं को पढ़ा लिखा के इस लेवल पे ला के खड़ा कर दिया होता कि वो खुद अपने बच्चे की तरबियत कर सकें, तो अब यहाँ पे दूसरी मुश्किलात खड़ी, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है आपको नहीं पता। देखिए जितना ज़्यादा मुमकिन हो माँ और बाप और बच्चे का रابطہ बढ़ना चाहिए। खूब इस रابطے को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि बच्चे की जो भी ज़रूरत है वो माँ या बाप खुद उसे पूरा करें। कब वो खुद पूरा कर सकते हैं, जब खुद उनमें पूरा करने की सलाहियत हो ना जी, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात ये, इसी के साथ मैं एक बात ऐड करूं, बच्चा डिसीजन नहीं ले सकता किसे लेना है, माँ को या बाप। ज़्यादातर बच्चे के बारे में जो फैसले लेता है वो कौन है, माँ लेती है, माँ और बाप में ज़्यादातर जो फैसले होते हैं वो माँ ही लेती है जी। अगर ये माँ माशरे को नहीं जानती है, ये माँ एजुकेटेड नहीं है, तो क्या ये सही फैसले ले सकती है, बिल्कुल नहीं, नहीं ले पाएगी। तो लिहाजा अगर आप एक माँ के एतबार से भी एक खातून को देखें तो ये सीधी सीधी हमारी ज़रूरत है कि हमारी माशरे की माओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप घरेलू हवाले से देखें, मैं भी घरेलू हवाले के, मैं भी इस, देखिए मैं इस खातून को बाहर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे माशरे की खातून बाहर जाके एजुकेटेड बने, नहीं, घर के अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर हम इस बात के कायल हैं कि हमारी खवातीन को घर के अंदर रहना चाहिए, तब भी उसको इल्म दुनिया की ज़रूरत है जी। बहुत खूब मौलाना साहब, और साथ ही यही मतलब कि ऐसा माशरा होना चाहिए कि हर लड़की तालीम याफ्ता हो, एजुकेटेड हो, तभी वो अपने घर, अपने बच्चे और अपने ससुराल की ज़िंदगी को बखूबी सलाहियतों के साथ आगे बढ़ा सकती है। जी बेशक। इसी के साथ एक और बात है मौलाना जो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि हाल ही में मैंने सुना है कि कुछ शहरों के गवर्नमेंट और वो लॉबी जो के मदरसों के ख़िलाफ़ होते हैं, उन्होंने एक ऐसा प्रपोज़ल या इम्प्लीमेंट पास करवाना चाहा है जिसकी वजह से मदरसों को स्कूल की तरह रिजर्वेशन नहीं मिले। मुझे डर लगता है मौलाना इस बात से कि क्या होगा हमारे उन बच्चों का जो मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, क्या हमारे उन बच्चों को दोबारा किसी अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे जो अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी हायर एजुकेशन को, क्या वो ये सारी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे जो मदरसे के बैकग्राउंड से हैं। देखिए आपने फिर एक मुश्किल को छेड़ा है, लेकिन इस मुश्किल को सॉल्व करने, ये मुश्किल है जी, ठीक है, कि ये जो बच्चा इस मदरसे में पढ़ रहा है आगे इसकी ज़िंदगी का क्या होगा जी। शायद बहुत से माँ बाप इसी हवाले से, जो उनके घर का समझदार अच्छा बच्चा होता है, वो इस लाइन में भेजना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आगे फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है वो उनके लिए बिल्कुल तारीख होता है जी। देखिए ये पूरा एक सिलसिला है, बच्चा स्कूल गया, अभी स्कूल की बात कर रहा हूँ मदरसे की नहीं, बच्चा स्कूल गया, स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई, आगे बढ़ा, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, उसने आके किसी एक सब्जेक्ट में आके आगे काम किया। अब उसको पता है कि मैं इस लाइन को पकड़ के चलूँगा तो मुझे आगे कहाँ तक जाना है, रास्ता उसका क्लियर है जी।
क्योंकि रास्ता क्लियर है लिहाजा बहुत आसानी से वो यहाँ आने की कोशिश करता है, मेहनत करता है, माँ बाप उसके लिए पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइन उसके लिए क्लियर है। दूसरी तरफ जो मदारिस हैं, अभी स्कूल, अब आइए दूसरी तरफ आप देखिए जो हमारे मदारिस हैं, मदारिस में हमने लाइन को क्लियर नहीं किया है। यानी ये बच्चा जो मदारिस में आके पढ़ रहा है, आगे इसको क्या करना है? अब फिर मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, सिर्फ एक मुश्किल को सॉल्व करने से सारी मुश्किलात सॉल्व नहीं हो जाएंगी। फ़र्ज़ कीजिए हमारी बातों को सुनने के बाद माशरे के 50-100 माँ बाप ने यह फ़ैसला लिया कि हाँ, दीनी सलाहियत बहुत अच्छी बात है, इल्म दीन बहुत अच्छी बात है, हम अपने बेहतरीन बच्चे को इल्म दीन हासिल करने के लिए भेज देंगे। उन्हीं ने क़ुरबानी दे दी, उन्हीं ने इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया। मसला ये है, ये बच्चा जो इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसे में आया है, क्या उस मदरसे में भी इतनी सलाहियत है कि जो समझदार अक्लमंद बच्चा आ रहा है उसको उसी तरह से पढ़ा पाएँ? चलिए हम यहाँ पे फ़र्ज़ ये करते हैं कि उस मदरसे में सलाहियत है। जब ये बच्चा यहाँ से बाहर निकला और आके उसने अपनी ज़िम्मेदारी को पर अमल करना शुरू किया, तो ये भी दूसरे यानी हमारे माशरे में जो दूसरे लोग हैं उन्हीं की तरह ये भी एक इंसान है, ये भी एक जॉब कर रहा है अगर हम सही से देखें। बस फ़र्क ये, स्कूल लाइन से जो बच्चा जा रहा है वो एग्रीमेंट के साथ जॉब कर रहा है, लेकिन मदरसे की लाइन से जो बच्चा जा रहा है वो बग़ैर एग्रीमेंट के जॉब कर रहा है। अब यहाँ पर वालदैन को, माशरे में पब्लिक को ये समझ में आता है कि वो बच्चा जो एग्रीमेंट के साथ जॉब कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है, हमें उसको कितना सपोर्ट करना है। अगर वो एक फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, वो अगर एक जॉब जाके कर रहा है और सुबह 9 बजे जो है वो ऑफिस जाता है और 4 बजे ऑफिस से वापस आता है, तो जिसके लिए वो काम कर रहा है वो अपनी ज़िम्मेदारी समझता है कि मुझे इसकी हिमायत करना है, इसको सपोर्ट करना है। लेकिन हमारा माशरा क्यों इस बात को नहीं समझता कि वो बच्चा जो अपनी ज़िंदगी में अपनी जवानी को लगाने के बाद अब माशरे में आता है बग़ैर एग्रीमेंट किए, ना उसकी सुबह का पता है, ना उसकी दोपहर का पता है, ना उसकी रात का पता है। क्योंकि आप जो भी दीनी प्रोग्राम रखेंगे आप अपनी सहूलत के अतबार से रखेंगे, उसकी सहूलत के अतबार से नहीं रखेंगे। आप ये भी तवक्को रखते हैं कि वो 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए सिर्फ एक घंटे के लिए। मैं अपनी बात बताऊं, शायद तो नाजरीन आसानी से इस बात को समझेंगे, कभी कभी मुझे दावत दी जाती है कि मौलाना साहब फला जगह आपको एक मजलिस पढ़ना है। अब मैं आके खुद ये सोचता हूँ कि मुझे वहाँ मजलिस पढ़ने जाने के लिए 3 घंटे का सफ़र करना है, वापस आऊँगा ये 3 घंटे 6 घंटे, वहाँ कम से कम 5 घंटे मेरे सर्फ होंगे, 6 और 5 11 घंटे, 11 घंटे लगा के मैं वहाँ गया, यानी मेरी ज़िंदगी यानी 1 24 घंटे में 11 घंटे मैंने टाइम लगाया और उसमें आउटपुट उसका कितना निकला, 50 मिनट की मैंने मजलिस पढ़ी। ठीक है, अब देखिए मैं मादी हवाले से आके मुकायसा कर रहा हूँ। अब आप यहीं भी देखिए, एक बच्चा 8 घंटे यानी जिस जो स्कूल की लाइन पढ़ के गया है वो आता है 8 घंटे ऑफिस में काम करता है, उसको पता है कि उसका आउटपुट क्या है? हमने क्योंकि आके सिस्टम को सही नहीं किया है, लिहाजा आने वाला घबराता है, जो सिस्टम में है वो घबराता है, जो सिस्टम को पार करके आगे पहुँच चुका है वो घबराता है, क्योंकि हमने इसको सिस्टम को सही ताली दुआ से बचती है। अगर हमारी तवक्को ये है कि हमें अच्छा दीन बताने वाले हों, तो दूसरी तरफ से हमारी तवक्को ये भी होना चाहिए कि इस दीन बताने वाले के अच्छे सपोर्टर भी हों, तब मामला सही हो सकता है। और साथ साथ अगर मदरसों वगैरह में, जैसे कि मेरा पहला सवाल था कि दुनियावी एजुकेशन भी हो, दुनियावी सब्जेक्ट तो जरूरी है, तो साथ साथ वो दोनों चीज़ एक बैलेंस करके एक साथ चल सकती है। जी यही मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छा दीन बताने वाला वही हो सकता है कि भाई जो इसके पास ये सारे सोर्सेज हैं और इनके जरिए वो दीन को आवाम के सामने पेश कर सकता है, बता सकता है। अच्छी बात है, बहुत खूब मौलाना। आइए मौलाना एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है औरतों के लिए और सारी आवाम के लिए। शायद शादी के बाद औरतों पर जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं मौलाना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस औरतों को क्या करना चाहिए? इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या खामोशी इख्तियार करके सब्र इख्तियार कर लें? और एक बात जो कि नहायत ही बदतरीन चीज़ है वो है दहेज, जिसे आज के ज़माने में डाउरी कहते हैं, वो हमारी कई घरों में दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से लड़की और उसकी फैमिली वाले दोनों कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शादी क्यों की जाती है जी? परवरदिगार ने, देखिए शायद किसी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था
शादी इस्लाम की ईजाद नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इस्लाम से पहले भी थी। इस्लाम ने आके उसको एक ख़ास तरीक़ा दिया और बताया कि भाई इस तरह से शादी होगी तो हमारे एतबार से ही क्या है, सही है। क़ुरान ये कहता है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए सुकून है। आप इस कॉन्सेप्ट से लेकर आके इसको देखिए, शादी जब हो रही है तो दो बहुत ही अलग फैमिलियाँ, अब वो रिश्तेदारी में शादी हो रही है वो अलग बात है, लेकिन मामूला यही होता है कि मिसाल के तौर पर लड़की जो है किसी शहर की, लड़का किसी शहर का, या अगर एक शहर में भी रहते हैं तो मिसाल के तौर पर एक इस महल्ले का है, किसी दूसरे महल्ले का है, दो अलग के ख़ानदान एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जब हम एक दूसरे से जुड़ना है और हमें ये पता है कि जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो अब ज़िंदगी के लास्ट तक इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना है जी। अब हमें शुरुआत करना है यहाँ से जी। अगर हम शुरुआत में ही आके इतनी सख्तियाँ ला के खड़ी कर देंगे जी। तो ख़ुद हमें पता है कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। हमने इतनी तवक्कात बढ़ा दी हैं जी। क्यों? इसकी वजह यह कि हम अहले बैत की सीरत से हट गए जी। बिल्कुल, हमने आके इस बात का मुताला नहीं किया, क्या अहले बैत के ज़माने में, क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादियाँ नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। क्या उस ज़माने में शादियाँ नहीं करते थे? तो जाएँ हम देखें सीरत अहले बैत का मुताला करें, शादी के बाद किस तरह से खातून को घर में रहना है, या आपके सवाल के मुताबिक किस तरह से खातून को घर में रखना है जी। क्या इस्लाम ने इसको नहीं बताया? बिल्कुल। मसला ये होता है, हम इस्लाम को छोड़ के समाज को पकड़ लेते हैं। हमारे पड़ोस में एक महीने पहले एक शादी हुई थी, इतना दहेज दिया गया था। अब वहाँ पे अगर हम इससे कम देंगे तो कल ये मेरा पड़ोसी क्या कहेगा? आपने ये नहीं सोचा कि अगर आप इस मसले को सख्त बना देंगे तो कल परवरदिगार आपसे क्या कहेगा? क्या कहेगा? हम समाज को खुदा से आगे बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा ही करना जी, मुझे भी ऐसे। मसला यही है, ठीक है, शादियों में फला मैरिज हॉल लिया गया था जी, हमारी चचाजाद मसलन हमारे भाई की लड़की की शादी हुई थी तो फला मैरिज हॉल लिया गया, हाँ। तो हमें भी यही लेना। तो क्या ये मैरिज हॉल आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है? मसला यही है। देखिए, हम सब सवालों में दोबारा पलट के वहीं पर आएंगे, वो ये, हम अभी दीन को नहीं समझें जी सर। हम अभी दीन को नहीं समझें, या चलिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि शायद हम अभी दीन को नहीं समझा पाएँ, क्योंकि जब हम ये कहते हैं हम अभी दीन को नहीं समझे हैं तो आवाम उधर से आके चिल्लाती है कि आप दीन को नहीं समझा पाएँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चैनल विन है या दूसरे चैनल हैं या जो तरीक़ा अपनाया जा रहा है दीन को पहुंचाने का, बिल्कुल। अब आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप घर से उठ के आइए दीन को सीखिए, अब तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप घर में बैठ के दीन को सीखिए। लेकिन अब भी आप इस बात को नहीं कबूल करने के लिए तैयार है कि आप घर में बैठ के दीन को सीखिए। लेकिन दीन को सीख लेना भी काफ़ी नहीं है, उसके बाद एक अगला स्टेज आता है, वो ये कि दीन को समझने के बाद आप उसको फॉलो करना है जी। आप जब दीन के बारे में आपसे पूछा जाता है आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं, बिल्कुल। जब रिश्ता तय हो रहा होता है ना जी। आप देखिए, नहीं अगर बहरहाल आप प्रिंसिपल हैं और इस तरह के केसेस आपके सामने आए होंगे जी। कि जब लड़की वाले और लड़के वाले आपस में यानी शुरुआत करते हैं बात की जी, तब दोनों बहुत अच्छी पिक्चर बनाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे अच्छा ये भी होना चाहिए। अब जब इधर वाले कहते हैं ये होना चाहिए तो उधर वाले भी कहते हैं तो भी ये भी होना चाहिए। बिल्कुल। वो शादी जो बहुत कम पैसे के ऊपर हो सकती थी, ये एक महीना जो शादी को तय करने में लगता है इसमें यही 10 गुना बराबर ज़्यादा हो जाती है। अब हम एक रास्ता चल चुके हैं, अब पीछे हटना भी मुश्किल है हमारे लिए, अब हम उसी के ऊपर आके समझौता कर लेते हैं और ये नहीं समझ पाते कि इसके बाद कितनी मुश्किल हमारे सामने आने वाली हैं। तो बहरहाल शुरू से सोचें, शुरू से गौर करें, देखें इस्लामी तरीक़ा क्या है शादी का, अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने में कैसे शादियाँ हुई हैं, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने केसेस माशरे में देख चुके हैं कि अब हमें सबक ले लेना चाहिए। लेकिन अभी भी वही चीज़ें बार बार दोहराई जा रही क्योंकि हम सबक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं, हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि एक जोड़े को पैसा खुशबख्त नहीं बनाता जी। एक जोड़े को उनके आपस के रवाबित, उनका एक दूसरे को समझना, उनका एक दूसरे का एहतराम करना, ये खुशबख्त बनाता है। पैसा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन बीवी इस बात को समझ रही है कि मेरे शोहर के साथ क्या मुश्किलात है, बिल्कुल। शोहर इस बात को समझ रहा है कि मेरी बीवी दिन भर में किन मुश्किलात का सामना कर रही है, ये दोनों खुश रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर पूरी दुनिया का भी पैसा हो लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ ना पाए, तो वो पैसा उनकी इस मुश्किल को सॉल्व
नहीं कर पाए। और साथ साथ मौलाना, इसी के साथ मेरे जहन में एक और बात अभी आई कि हम कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस, जो औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो बहुत से ऐसे घरों में देखा भी गया है कि औरतें भी ना समझ होती हैं, जिसके वजह से वो नहीं समझ पाती हैं, और जो कि घर का माहौल ख़राब होता है, और उसके वजह से ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो चर्चा है ये और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाता है। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि एक घर में सिर्फ किसी एक फ़र्द की गलती की वजह से पूरे घर का निज़ाम बिगड़ सकता है। अब ये एक फ़र्द कौन है? देखिए, हमारे मुआशरे में सास बहू एक अजीब रिश्ता है जी, और जैसे ही ये नाम आता है सब समझ जाते हैं कि हाँ लड़ाई होने वाली है। नहीं, ये नाम ही ऐसा है कि जिसके साथ लड़ाई जुड़ी हुई है। जबकि हम एक बार सवाल करें, ये मामूलन हिंदुस्तान के मुआशरे में जब एक बहू घर में आती है, इसे लाने वाला कौन है? शायद 70-80% में इसको लाने वाली वही माँ है जो अभी सास कहलाएगी जी। भाई खुद ही तो लेके आ रही है, खुद ही करवा दी। क्या हुआ एकदम से कि वही लड़की जिसको ये खुद चुन के लेके आ रही थी, 20 के दरमियान में 20 रिश्ते थे, उसमें से इसने इस लड़की को चुना कि ये मेरे लड़के के लिए मुनासिब है, यही लड़की और इसके दरमियान जो है रابطہ ख़त्म हो गया। ये इसका एक वजह मैं सिर्फ आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, वो ये जो माँ है और ये लड़का है, ये दोनों तो साथ रह रहे थे पहले से। बिल्कुल। अब इस घर में एक नया फ़र्द आया, बिल्कुल लड़की आई जी, और जब इस फैमिली की मुश्किलात बढ़ी जी, तो जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो आके फैसला ये लेते हैं, ये लड़का और ये माँ तो पहले से आपस में रह रहे थे, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं। तो ये जो लड़की नई आई है इसी ने मुश्किलात खड़ी की। बिल्कुल। लेकिन आप आइए देखिए पिक्चर को एक दूसरे एंगल से आके देखते हैं। ये लड़की इस घर में आती है, इस लड़के की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी क्या बढ़ी? अभी तक फ़र्ज कीजिए माँ अकेली थी इस घर में जी। उसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो अपनी माँ का ख्याल करे। अब इसके साथ एक ज़िम्मेदारी बढ़ गई कि इसकी शादी हो गई, इसकी बीवी भी आ गई, अब उसको भी देखना है। अब ये यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाता जी। क्यों? क्योंकि इसने सीखा ही नहीं है कि इज़दिवाजी ज़िंदगी को हैंडल किया कैसे जाता है जी। बिल्कुल। अब या ये कभी बीवी की तरफ गिर जाता है या ये कभी माँ की तरफ गिर जाता है। तो असल मेरी नज़र से मुश्किल खड़ी की हुई ना सास की होती है ना बहू की होती है, लड़के की होती है। क्योंकि उसको ये नहीं आता है कि इस मामले को बैलेंस किस तरह से करना है जी, किस तरह से इसको डील करना है। जब उसने ये सीखा ही नहीं है, जब हमने उसको ये बताया ही नहीं है, जब इस्लामी एतबार से उसको ये सिखाया ही नहीं गया है, तो रोशन सी बात है कि मुश्किलात खड़ी होंगी। बहुत खूब मौलाना, मैं बहुत मुतमईन हूँ आपके जवाब से, शुक्रिया। आइए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो सवाल अब मैं आपके सामने लाना चाह रही हूँ कि एक और ये इतना अहम सवाल है मौलाना कि मुझे समझ में नहीं आता कि हम इतने, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इतने तालीम याफ्ता, हमारे पहले मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उसके बावजूद भी हम उनके चाहने वाले हैं, फिर भी हम एजुकेशन में पीछे हैं। तो आइए मैं अपने सवाल को मुकम्मल करूँ कि, और चैनल विन के व्यूवर से भी मैं कहना चाहूँगी और उन तक ये सवाल पहुँचाना चाहूँगी कि आखिर क्यों मुसलमान एजुकेशन में इतना पीछे है दूसरे कौमों के मुकाबले में। हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया है कि हम लोग शेड्यूल कैस्ट के लोगों से भी पीछे हैं एजुकेशन में, जबकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेबल टू ग्रेव तक। इसके बावजूद भी हमारे ये हालात हैं तालीम को हासिल करने के लिए। मैं उन इस प्रोग्राम एक मौका के हवाले से मैं उन इदारे वालों से जो एजुकेशनल ट्रस्ट चलाते हैं, जो स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चों की मदद करते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं, और उन लोगों को भी कहना चाहूँगी जो एनजीओ चलाते हैं, जो एनआरआई हैं, क्या वो एक ऐसा निज़ाम नहीं बना सकते, एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम करें जिससे हमारे अलग अलग शहरों में ये प्रोग्राम अलग अलग तरीके से हो और हमारे मुसलमानों तक इल्म की अहमियत पहुंचे घर घर में। देखिए फ़र्ज़ कीजिए आपने जो बात कही कि वो ऐसा प्रोग्राम बनाएं, यानी दो तीन हिस्सों में आपकी बात है। पहली बात ये कि एजुकेशन के हवाले से हमारे हालात ख़राब हैं, ठीक है भाई, ये तो बहुत आसानी से पता लग सकता है, आप एक सर्वे कर लें पता चल जाएगा कि हमारे हालात कैसे हैं।
तो ये तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है ही नहीं। जी, जी, कोई कोई आके कहे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो तो सबके सामने रोशन है। जी, दूसरा मसला जो आपने पेश किया वो ये कि अब ये जो मुश्किल है इसको सॉल्व करने के लिए जो NGOs हैं, जो दूसरे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ें काम करें। देखिए मेरा मानना ये है, वो लोग कितनी भी मेहनत कर लें ये मुश्किल सही नहीं होने वाली। क्यों? एक लाइन में मैं आपको जवाब दूँ, क्योंकि मुसलमान मुसलमान नहीं है। बिल्कुल सही। देखिए अगर कोई इंसान प्यासा है, चिल्ला रहा है मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ, पानी उसके सामने रखा हुआ है, ये प्यास नहीं बुझ सकती जब तक वो इस गिलास को उठा के पानी पिए ना। हम चिल्लाते रहे, हम इल्मी हवाले से पीछे हैं पीछे हैं पीछे हैं, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी जब तक हमारा जवान हमारा बच्चा हमारा मुआशरा इल्म की अहमियत को ना समझे। जब वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, ये वो तरबियती मसाइल हैं जो बहरहाल हमारे इस टॉपिक में नहीं है, वो अलग के मसाइल हैं। क्यों नहीं समझ रहा है? वो इसलिए नहीं समझ रहा है कि उसने दीन को नहीं समझा है। वो अभी तक यही नहीं समझ पाया है कि इस्लाम में इल्म की अहमियत है क्या, इल्म की अहमियत उसकी ज़िंदगी में है क्या। देखिए परवरदिगार जो कानून बनाता है वो कानून मुसलमानों के लिए नहीं है, यानी जो नेचर में जो निज़ाम चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आग सिर्फ गैर मुसलमान को नहीं जलाती, मुसलमान को भी जलाएगी। पानी कोई भी पिएगा प्यास बुझेगी। परवरदिगार ने इस निज़ाम में एक कानून बनाया है, वो कानून ये जो मेहनत करेगा उसे नतीजा मिलेगा। चोर भी मेहनत करेगा तो बहुत अच्छी तरीके से चोरी करेगा, क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करके चोरी की है, इसीलिए देर में पकड़ा जाएगा। ये एक कानून है। तो भाई इल्म ना किसी की जागीर है, नहीं है कि फ़लाँ मज़हब वाले इल्म जल्दी सीख लेते हैं, फ़लाँ मकतब वाले इल्म देर में सीखते हैं, ये सब कुछ नहीं है। जो इल्म की अहमियत को समझेगा उसके लिए मेहनत करेगा, इल्म उसकी जागीर है, इल्म उसकी दौलत है। अब अगर ये काम माशरे में नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम पीछे हैं, इसकी सीधी सीधी इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि हम अभी यही नहीं समझ पाए कि इल्म की अहमियत क्या है। हम आके चिल्लाते हैं कि हम फ़लाँ के मानने वाले हैं फ़लाँ के मानने वाले हैं, आपके कहने से नहीं होता है कि आप फ़लाँ के मानने वाले हैं। आप उस वक्त उसके मानने वाले होंगे जब आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जी। आप खड़े रहिए चिल्लाते रहिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। अलबत्ता ये भी इत्मीनान के लिए मैं कह दूँ, अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे तो यकीन मानिए आप दूसरों से बेहतर चलेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरों के पास वो सोर्सेज नहीं हैं जो आपके पास हैं, दूसरों के पास वो सलाहियतें नहीं हैं जो आपके पास हैं, दूसरों के पास वो किताब नहीं है जो आपके पास है, दूसरों के पास वो आइडियल नहीं है जो आपके पास है। मुश्किल ये है, दूसरे के पास बहुत कम चीज़ें हैं लेकिन उसी कम के ऊपर वो अमल कर रहा है, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन हम उसके सही से फॉलो नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए बहरहाल हमें कदम उठाना पड़ेगा, ख़ुद हमें समझना पड़ेगा, और सबसे पहले ज़िम्मेदारी वालदैन की है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, उनको सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, ताकि ये जो मुश्किल है हमारे माशरे की इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द दूर हो सके। इंशाल्लाह ज़रूर मौलाना। और इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ अपने सवालों के सिलसिले को लेकर के। क्या एक लड़की को मौलाना शादी के बाद अपनी पढ़ाइयों को कम्प्लीट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, या शादीशुदा ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब लड़कियों का रिश्ता लगता है तब उनसे कहा जाता है कि नहीं हम पढ़ाई कंटिन्यू कराएंगे, शादी के बाद हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बच्ची आराम से कॉलेज पढ़ सकती है, जो जितना दूर तक पढ़ना चाहे वो आराम से पढ़े। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद कोई ना कोई वजह दे करके मौलाना उस बच्चे की पढ़ाई को रोक दिया जाता है, और जिसके वजह से उसके कितने ख्वाब टूट के बिखर जाते हैं और वो बेबस लड़की खामोश हो जाती है। देखिए सीधा सटीक इस सवाल का जवाब नहीं है। जी। अगर हम आके ये कहें कि शादी के बाद लड़की को पढ़ाना चाहिए, 100% शायद हर जगह ये चीज़ नहीं आ सकती। जी। अगर हम आके ये कहें कि शादी के बाद लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये भी सीधा सीधा जवाब नहीं हो सकता। जी। मसला क्या है? मसला ये कि एक खातून है हमारे सामने, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं।
وہ پڑھنا چاہ رہی ہے اور یہی خاتون اب اس کی شادی ہو جاتی ہے, یعنی اس کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے. جو لوگ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ شادی کے بعد لڑکی کو پڑھائیں گے, تو فی الحال ان سے تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو آپ اس کو پورا کریے. بالکل. ہاں البتہ ادھر سے ممکن ہے کہ ایک مشکل ہو, وہ یہ ہے دیکھیے شادی ایک نیا تجربہ ہوتا ہے. شادی ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان سوچتا کچھ ہے شاید بعد میں ہوتا کچھ ہے, کیونکہ وہ صحیح سے نہیں سمجھ پایا, صحیح سے اس کے بارے میں اس نے مطالعہ نہیں کیا, اس کو نہیں پتہ ہے. تو بہت سے کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لڑکی جو یہ سمجھ رہی تھی کہ میں شادی کے بعد اس ذمہ داری کو پورا کر لوں گی, خود بھی وہ یہ سمجھ پاتی کہ میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پاؤں گی. لیکن ہاں اب اس سچویشن میں کہ اگر ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو شادی کے بعد جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی صحیح سے پورا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی بھی کر سکتی ہے, تو کوئی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئے اس کو روکے اور وہ پڑھے نہ. کیوں؟ کیونکہ بھائی جب یہ انسان آگے قدم اور بڑھ سکتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری, ہم اس کی مدد کریں, اس کو اور آگے بڑھائیں اور دیکھیں وہ جتنا آگے جا سکتا ہے وہ اتنا آگے جائے. لیکن یہاں پر بہرحال یعنی جو لڑکی ہے اس کو بھی اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں میں اس پڑھائی کے ساتھ جو میری ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی میں پورا کر سکتی ہوں. اور مولانا ماس میرج سے آپ کیا کہنا چاہیں کہ ہمارے یہاں پہ ماس میرجز نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے تو ہونا چاہیے. بالکل. بھائی یہ ہم نے کیوں سوچ رکھا ہے یہ کام آج تک نہیں ہوا ہے؟ جی یہ کام آج تک نہیں ہوا ہے, آج سے آپ شروع کر دیجیے. البتہ اس کے لیے کسی کو قدم آگے بڑھانا پڑے گا اور شاید ایک حد تک کے شروع بھی ہوا ہے, کیونکہ جو دوسرے شیعہ معاشرے ہیں ہندوستان سے ہٹ کے, میں باہر کی بات کر رہا ہوں, وہاں ایسا ہوتا ہے اور بہت آسانی سے ہوتا ہے, بہت کم خرچے پہ ہوتا ہے اور بہت آسانی سے مشکلات سالو ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے آ کے یہ طے کر لیا جیسے آ رہا ہے ویسے ہی ہونا ہے, نہیں اگر دین اسلام نے کسی بات کو بیان کیا ہے تو ہاں جیسے بیان کیا آپ اس کو ویسے ہی فالو کریں, لیکن جو آپ کے سماجی مسائل ہیں جو آپ کے معاشرے کے مسائل ہیں, دیکھیے میں آپ کو بہت آسان سی مثال دوں, کپڑے پہننے کا اسٹائل اسلام نے آ کے قانون بتایا ہے کہ بھائی تمہارا کپڑے پہننے کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, مرد یوں خاتون یوں. لیکن کیا آج جو ہم کپڑے پہن رہے ہیں, جو خواتین کپڑے پہن رہی ہیں, نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صحیح اسٹائل میں کپڑے پہن رہی ہیں, مرد اور خواتین جو صحیح ہیں, کیا عیناً وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا؟ بہت چینج آیا ہے. لیکن یہ جو بھی چینج آ رہا ہے وہ اس قانون کے اندر آ رہا ہے, یعنی وہ قانون اپنی جگہ کے اوپر محفوظ ہے, لیکن ہم اسٹائل کیا کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا بدل دے رہے ہیں. لیکن وہ جو قانون تھا کہ خاتون کو حجاب میں رہنا چاہیے, مرد کو کس طرح سے کپڑے پہننا چاہیے, وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے, لیکن اس کو فالو کرنے کا طریقہ تھوڑا بہت کیا ہو گیا. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ شادی ہونا چاہیے. بالکل. اسلام نے یہ کہا دیکھیے واجب کیا ہے, مہر اور اس عقد, اس کے علاوہ جتنی بھی رسومات ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں سب یہ صحیح ہو سکتی ہیں اگر اس کے ذریعے سے شادی آسان ہو رہی ہے. سب کے سب غلط ہو سکتی ہیں اگر اس کی وجہ سے شادی میں مشکل پڑ رہی ہے. اور آپ وہ راستے تلاش کریے. جی بالکل. آپ وہ راستے تلاش کریے کہ جس کے ذریعے سے یہ کام آسان سے آسانی سے ہو جائے. اور ماس میرجز کا اگر سلسلہ شروع ہو جائے تو ایک ساتھ کتنی لڑکیوں کی کتنے لڑکوں کی شادی ایک ساتھ ہو جائے اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ معاملے طے ہو سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ عقل فیصلہ کیا لے رہی ہے؟ عقل یہ فیصلہ لے رہی کہ ہاں یہ صحیح چیز ہے. جی. اسلام بھی اس سے نہیں منع کر رہا ہے. جی. ہونا چاہیے. جی. لیکن اب یہ پریکٹیکل مرحلے میں آ کے دیکھیں. جی. اب ہم اگر یہ کرنے اترتے ہیں. جی. کیا ہوگا؟ نہیں بھائی ہم تو الگ شادی کریں گے. سب سے پہلے مشکل کدھر سے شروع ہوگی؟ شاید لڑکے اور لڑکی کی طرف سے نہ شروع ہو. جی. جو اس کے پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے شروع ہوگی. تو اگر وہ سمجھدار ہیں, اگر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو مسئلہ آسانی سے سالو ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہی نہ سمجھیں تو پھر مشکل ہے. بالکل. بہت خوب مولانا. مولانا ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کے زمانے میں حجاب کو کئی نہ کئی طریقوں سے روکا جاتا ہے. جس طرح اگر مثلا میں ایک مسئلہ پیش کروں آپ کے سامنے, تو مان لیجئے کسی ایک لڑکی کی ایڈمیشن ہوتی ہے, ایک اچھے ریپیوٹیڈ اسکول میں ایڈمیشن ہوئی, اس لڑکی کو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اگر اس اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے یا پڑھنا ہے تو تم کو حجاب پہن کر کے نہیں آنا ہے. تو ایسے میں اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟
अपने हिजाब के साथ सैक्रिफाइस कर लेना है या हम उस स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेना है। लेकिन इसके साथ मेरी ये दिल ही बात है जो मैं कहना चाहूँगी कि हमारी बच्चों को आखिर हिजाब से क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि जब हमारे बच्चे किसी और स्कूल किसी और कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने जाते हैं तभी तो। अगर क्या हमारी खुद की हमारे कौम की खुद की स्कूल कॉलेजेस मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लैब्स वगैरह कंप्यूटर लैब हर कुछ हो तो क्या हमारे बच्चों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा हिजाब से? बिल्कुल नहीं। देखिए ये तो आइडियल सिचुएशन है जिसको आप पेश कर रही हैं जी। अभी जो मुश्किल है वो यही है। देखिए पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून में कोई भी कॉलेज आके स्टूडेंट को मजबूर नहीं कर सकता कि वो हिजाब ना करे जी। आप केस कर सकते हैं आप अदालत में जा सकते हैं जी। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास इतना हौसला नहीं है ये सब करने का जी। तो उसमें आके दो में से एक काम करते हैं या बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे या बच्चे की चादर उतार देंगे। बिल्कुल। मसला ये है कि अगर हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं हिजाब भी बाकी रहे पढ़ाई भी बाकी रहे तो हमारी पहली जिम्मेदारी कि हमें यही करना है जी। अब उसके लिए चाहे हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े जी। चाहे हमें प्रिंसिपल से जाके बात करना पड़े जी। चाहे हमें अपने बच्चे को समझाना पड़े जो जो करना है जी। तो सही बात यह है कि हमें दोनों को लेके साथ में चलना है। हिजाब भी बाकी रहे पढ़ाई भी बाकी रहे। अब फ़र्ज़ कीजिए सवाल हमारे सामने ये आता है कि दोनों नहीं हो सकते भाई दोनों नहीं हो सकते या हिजाब है या पढ़ाई। हमने सारे तरीके अपना के देख लिए तो यहाँ पे जवाब ये है यानी फ़िक़ी एतबार से इस्लामिक हवाले से जवाब ये है अगर वो पढ़ाई ऐसी है कि जिसके बग़ैर हमारा माशरा अधूरा है। मिसाल के तौर पर एक ऐसी पढ़ाई है एक लड़की के लिए कि अगर वो नहीं करेगी तो हमारी माशरे में कमी है ज़रूरी है जी। तो वो तो ज़रूरत का मसला आ जाता है वो एक अलग चीज़ है कि ज़रूरत जब आती है और मजबूरी जब आती है तो बहुत सी चीज़ें उनका हुक्म बदल जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी और ज़रूरत नहीं है जी। तो किसी काम को हासिल करने के लिए हम किसी वाजिब को तर्क नहीं कर सकते। हमें हिजाब को बाकी रखना है और अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो वो भी हमारी मजबूरी है हमारे माशरे की प्रॉब्लम है हमारे समाज की प्रॉब्लम है कि हमने ऐसे काम नहीं किए कि जहाँ पर ऐसी लड़कियाँ पढ़ सकें तो वहाँ पर हमें हिजाब को बाकी रखना है। और साथ साथ मैं चैनल विल्म के हवाले से अपनी बच्चियों को अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि अगर हम खुद अपनी हिजाब से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें तो अगला इंसान तो कहेगा ही कि तुम जब ये लोग खुद ही करने के लिए तैयार है तो हम क्यों ना कहें जी जी। ये हमें होनी चाहिए हमारी ताकत है हमारा हिजाब कि हम अपनी हिजाब को अपनी ताकत बनाएं और हम कह दें कि नहीं हम पढ़ेंगे हम लिखेंगे हम हर काम करेंगे लेकिन हमको हिजाब में ही करना है। वो सिर्फ एक स्कार्फ लपेट लिया और नॉर्मली पहन लिया ये हिजाब नहीं मुकम्मल तरीके से हिजाब करेंगे और सारे चीज़ों को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। और मौलाना एक और सवाल के तरफ आगे बढ़ूँ ये भी मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या हमारे तमाम उलेमा तमाम जानी मानी हस्ती तमाम वो कामयाब लोग और वो लोग जो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं कौम की मदद करना चाहते हैं क्या वो आगे आकर एक ऐसा निज़ाम बनाए ख़ास के उन औरतों के लिए जो औरतें काफ़ी ज़रूरतमंद हों और जिनके पास किसी तरह का कोई हुनर नहीं आता हो तो क्या हम एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर या हर जगह पर हर शहर में इस तरह से बनाएं जहाँ पे हमारे बच्चे सॉरी जहाँ पे हमारी बहनें हमारी माएँ आ कर के अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करें और जैसे कि कई फील्ड में कई तरह की ट्रेनिंग है जैसे कि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है कंप्यूटर ट्रेनिंग है और नर्स की ट्रेनिंग है टेलरिंग है और वगैरह वगैरह बहुत सारी ट्रेनिंग है तो जिससे उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने में भी आसानी होगी अच्छी जॉब भी मिलेगी और फाइनेंशली सपोर्ट होगा उनको। नहीं बेशक ऐसा होना चाहिए लेकिन इसी को थोड़ा सा मैं वजाहत करूं फिर आऊंगा मैं उसी बात की तरफ जो अब तक के मैंने कई बार उसको रिपीट किया। अभी ऐसा है या नहीं है अभी आपको क्या लगता है माहौल ऐसा है कि जहां ये काम हो रहा हो? नहीं है नहीं है बिल्कुल। और हम क्या चाह रहे हैं जी ऐसा हो हो
شاید معاشرے میں جو لوگ ہم آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کہے گی ہاں ایسا ہو جی. لیکن میرا سوال ان لوگوں سے نہیں ہے جو چاہ رہے ہیں ایسا ہو جی. میرا سوال اس سے پہلی والی نسل سے ہے جی. کیوں ایسا اب تک نہیں ہوا؟ بالکل. کیونکہ اگر ہم نے اس کا جواب نہیں ڈھونڈا جی. تو آگے بھی یہی ہوتا رہے گا کہ یہ کام نہیں ہوگا جی. آپ کہیں گی, ہم کہیں گے, معاشرے کے بہت سے لوگ یہ بات ریپیٹ کرتے رہیں گے, لیکن ایسا ہوگا نہیں, ہوتا نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہے, ہمیں یہ جواب تلاش کرنا ہے کہ معاشرے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا, کیوں لوگ آگے بڑھ کے یہ کام نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے آ کے یہ سیکھ رکھا ہے کہ ایک دین ہے, ایک دنیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دین کو ہم نے لے جا کے مسجد میں اور امام باڑے میں بند کر دیا ہے, یہ ہے دین. دنیا کو ہم نے باقی جگہ لا کے فالو کرنا شروع کر دیا. جب دین کی بات آتی ہے, دیندار ہم اسے کہتے ہیں جو مسجد میں نظر آئے, دیندار ہم اسے کہتے ہیں جو مجلسوں میں نظر آئے. یہی انسان اگر آگے بڑھ کے کوئی دوسرا کام کرے, کوئی خدمت خلق کرے, مثال کے طور پر نمازی ہے بالکل, اور یہ خدمت خلق بھی کر رہا ہے, ہماری نظر میں یہ انسان دیندار نہیں ہوتا. مشکل اس لیے کھڑی ہوئی کیونکہ ہم نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا ہے, جبکہ روایات کے اعتبار سے وہ دین دین نہیں ہے جو ہماری دنیا کو نہ سوار پائے. وہ دنیا اور دنیا بھی بغیر دین کے بیکار ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں ابھی تک کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت سماجی کاموں کی ہے. بالکل صحیح, اور جو کہ بالکل نہیں ہو رہی ہے. مسئلہ یہی ہے, دیکھیے ہمیں اسے سالو کرنا ہے جی. ہمیں یہ سمجھانا ہے پبلک کو کہ بھائی اگر آپ سماجی کام کر رہے ہیں تو یہ بھی دین ہے جی. یہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے جی. اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, بالکل ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے آپ دوسرے کام کرتے ہیں اپنی دین کے جی. ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک مسجد میں اندھیرا ہے تو اس مسجد میں اجالا ہونا چاہیے جی. اللہ کا گھر اندھیرا نہیں ہونا چاہیے, اس میں اجالا ہونا اجالا ہونا چاہیے. ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے گھر میں اجالا ہو, لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے مخلوق کے گھر میں بھی اجالا ہو جی. کیوں جی. کیونکہ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں, اس کو دین نہیں سمجھتے جی. بالکل. لہٰذا میری درخواست یہ کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے معاشرے کی مشکلات ہیں جی. ان مشکلات کو سالو کرنا جی. دینی اعتبار سے بہترین کام ہے جی. اگر کوئی انسان اس کے لیے قدم اٹھا رہا ہے, مطمئن رہے کہ پروردگار اس کو بہتر سے بہترین اجر دے گا. بالکل. اگر ہم اس مسئلے کو سمجھ جائیں تو یہ جو آپ نے درخواست پیش کی ہے یہ انشاءاللہ جلد اور بہت اچھی طریقے سے پوری ہو جائے گی. اور ایک بہت بڑی بات ہے مولانا, اور جو کہ بہت کڑوا سوال, کڑوی بات میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہی ہوں, ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہم اپنے برتھ ڈے پارٹیوں میں اور اپنی شادیوں میں بے انتہا پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں. اور ایک بات جو معاشرے میں چل رہا ہے, مثلاً سمجھے کہ ایک فلم ریلیز ہوئی, اس فلم کو لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اور اس فلم کے اوپر خرچہ کرتے ہیں 300-400 روپے, اس ٹکٹ کا تقریباً ایسا کچھ ہوتا ہے, وہ خرچہ کرتے ہیں, اور آگے جاتے جاتے یہ پکچر کو, فلم کو اونچائی پہ پہنچا دیتے ہیں 300-400 کروڑ تک. لیکن اگر کوئی سوچے کہ اسی پیسے کو ہم جو ان مدرسوں کے لیے ڈونیٹ کریں, ان اسکولوں کے لیے ڈونیٹ کریں, تو کیا ہمارے کتنے بچے فری ایجوکیشن سیکھیں گے نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ اگر ہم یہ سوچیں تب نا جی. یہ مسئلہ یہی ہے, پھر میں اسی بات کو ریپیٹ کروں, ہمیں یہ نہیں پتہ اس کام کی اہمیت کیا ہے جی. انسان اس کام کو کرتا ہے کہ جس کی اس کی نظر میں اہمیت ہوتی ہے جی. برتھ ڈے پارٹی کیونکہ اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ کر رہا ہے جی. فلم دیکھنا اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے وہ کر رہا ہے جی. شادی اچھی سے اچھی کرنا اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے وہ کر رہا ہے جی. ہم نے آ کے سماج کو توڑ دیا ہے, ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, سائڈ میں جو ایک اور فیملی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے. جبکہ سماج ایک فیملی کا نام نہیں ہے, سب جب جڑتے ہیں تب سماج بنتا ہے. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اگر آج ہم اس کام کے لیے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے تو کل یہی سماج جب نیچے اس کا لیول جائے گا تو اس میں ہم بھی آ کے پھنسیں گے. بالکل. دیکھیں دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ دنیاوی معاملات, یعنی اگر ہم کچھ دے رہے ہیں تو ہمیں کچھ ملنا چاہیے, یہ ایک سوچ بن گئی ہے. ہم وہیں پیسہ خرچ کریں گے جہاں ہمیں کچھ ملے. اب اگر آپ آ کے یہ کہیں کہ بھائی آپ یہاں پیسہ خرچ کیے کل آپ کو جنت ملے گی,
तो वो उनको लगता है कि बस दीनी बात हो रही है, मेंबर से बात हो रही है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मौलाना साहब आप भी कैसी बात कर रहे हैं, आज हम पैसा खर्च करेंगे कल जन्नत मिलेगी। बहुत सी जगह पे आदमी ये कह नहीं पाता लेकिन उसके दिल में यही हो रहा होता है जी। क्या पता यहाँ हम पैसा खर्च करें कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि जहन क्या बन गया है, लेन देन का बन गया है, कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, चलिए कि हम कुछ दें तो कुछ हमें मिले। मेरा सवाल ये, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, क्या हम अकेले रह रहे हैं या दूसरे भी रह रहे हैं, क्या उस माशरे में हमारे बच्चे नहीं रह रहे हैं? हमारे अपने बच्चे उसी माशरे में रह रहे हैं ना जी। अगर ये माशरा समझदार नहीं है, अगर इस माशरे में चोरी ज़्यादा हो रही है, अगर इस माशरे में यानी कम पैसे वाले फ़कीर लोग ज़्यादा हो, क्या हम उस माशरे में अच्छी तरीके से रह पाएंगे या उस माशरे में हम अच्छी तरीके से रह पाएंगे कि जिसमें ये मुश्किलात नहीं हैं? सीधा सीधा सा जवाब है कि भाई हम उस माशरे में अच्छी तरीके से ज़िंदगी कर सकते हैं कि जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो अगर दुनियावी भी एतबार से देखें तो आपको यही करना चाहिए, बिल्कुल, कि भाई जिस माशरे में आप रह रहे हैं आप कोशिश करें कि वो बेहतर से बेहतर बने, क्यों? क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है जी। अब चाहे वो आखिरत में सवाब मिले या ना मिले, आखिरत को अगर आप एक मिनट के लिए भूल भी जाएं तब भी दुनियावी हवाले से अगर देखें तो हमें ये काम करना चाहिए जी। अब हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि बस हम ही हैं, दूसरे हों या ना हो, सामाजिक कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी हमारे अंदर। मौलाना साहब मैं आपके सवाल से बहुत बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी के साथ आपने ये सवाल के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, एक बार फिर से साजिद रिज़वी हाज़िर है, लेकिन अब वक्त हो चला है कि जो है शाजिया से पूछा जाए कि वो सवालों के जवाब से मुतमईन है कि नहीं। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। मैं साहब आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। सिस्टर सबसे पहले तो मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी सवाल किए और मुझे भी यकीनन बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी पसंद आया होगा। लेकिन मैं ये ट्रॉफ़ी देने से पहले, जो हमारी एक मौका की ट्रॉफ़ी होती है, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि एक प्रिंसिपल होने के नाते और एक प्रोफेशनल लाइफ भी आप जी रही हैं, और एक जैसे आपने कहा कि आप घर की भी लाइफ संभाल ली, जैसे हाउस मेकर या होम मेकर या हाउस वाइफ का जाए, तो आप बैलेंसिंग कैसे कर रही हैं दोनों को? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें अच्छे से हो जाता है। एक लड़की औरत होने के नाते मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे में है कि हम किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम किस तरीके से अपने जिम्मेदारियों को समझते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझ गए, चाहे वो स्कूल संभालना हो, चाहे वो बच्चों को संभालना हो, या हस्बैंड हो या ससुराल वाले हो, हम सबको एक मिनान से और एक सही रास्ते से सबको संभाल सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद नहीं समझ पाएंगे तो हम इन सारी जिम्मेदारियों को भी नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल आपने बेहतरीन पॉइंट पाया, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने बताया, वहाँ पे स्टाफ को मैनेज करना प्लस स्टूडेंट को मैनेज करना प्लस घर की लाइफ देखना और घर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे हैं उनको भी मैनेज करना, इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप मैनेज कर रही हैं, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। लेकिन अब वक्त है, क्योंकि आपने बहुत सवाल पूछा, और सबसे अहम सवाल इस प्रोग्राम का जो हम सबसे आए हुए एक मौका के गेस्ट है सबसे पूछते हैं, कि आप जो है सबसे बड़ा सवाल है मौलाना साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि मौलाना अली अब्बास खान साहब से, जो आप एक प्रिंसिपल और ये हौज़े इल्मिया कुम से आए हैं यहाँ पे, क्या आप इनके जवाबों से मुतमईन हो? क्योंकि एक प्रिंसिपल का सवाल करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, और साथ साथ प्रिंसिपल के सवालों का जवाब देना एक उस्ताद का, कैसा लगा आपको? आप मुतमईन हैं उनसे? मैं मौलाना साहब के जवाबों से बहुत मुतमईन हूँ, बहुत मुतमईन हुई मैं इनके जवाबों से, और मैं बहुत खुश हूँ। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हम आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आई जहाँ पे आपने सवाल किए। लेकिन मौलाना साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो सिस्टर के सवाल थे एजुकेशन से रिलेटेड थे, समाज से रिलेटेड थे, क्या यकीनन ऐसे ऐसी चीज़ें जो उन्होंने सवाल पूछा है वो समाज में हैं, और क्या ऐसे सवाल फ़ायदेमंद होंगे लोगों के लिए, खासकर हमारे नाज़रीन के लिए? देखिए मैं गिन तो नहीं पाया इन्होंने मुझसे कितने सवाल पूछे जी जी, जितने भी सवाल थे, लेकिन सारे सवालों के पीछे एक राज छुपा हुआ था जी। वो ये समझ में आया कि अभी भी हमारे माशरे में कुछ ऐसे अफराद हैं जिनके दिल में माशरे का दर्द है, और ये बहुत अहम बात है जी। सवाल क्या है, जवाब कैसे दिया जा रहा है, ये बाद वाला स्टेज है जी जी। पहले ये देखना है कि जो सवाल आ रहा है वो वाकई माशरे की मुश्किल है भी या नहीं, या नहीं बिल्कुल। शायद आपने भी इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा, ये जितने भी सवाल आ रहे थे ये हमारे माशरे के किसी एक हिस्से को पिक्चराइज कर रहे थे हमारे सामने, ये है ये है। अब उसके सामने जहाँ तक
پروردگار نے مجھے توفیق دی, میں نے بھی کوشش کی کہ سمجھوں اور سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر یہ مشکل ہے تو اس کو ایسے سالو کیا جا سکتا ہے. جی یہاں تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک معاشرے کی فرد ہونے کے اعتبار سے انہی نے جو مشکلات تھیں اس کو بہت اچھی طریقے سے پیش کیا اور اس کو سمجھا. یہ خود ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد یہی نہیں سمجھ پاتے کہ مشکل ہے کیا, مشکل ہے کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بہت صحیح چل رہا ہے, جیسے چل رہا ہے جانے دو, جیسے چل رہا ہے جانے دو. لیکن یہ غلط ہے. ہم دیکھیں بھائی, اگر ہم صحیح ہیں تو کیا ہمارے پڑوسی بھی صحیح ہیں؟ بالکل بالکل. اگر ہم اچھی طرح سے جی رہے ہیں, کیا پڑوسی بھی اچھی طرح سے جی رہے ہیں؟ تو الحمدللہ انہیں نے اس بات کو سمجھا, درک کیا, اس کو پیش کیا, بہت اچھے انداز میں پیش کیا. اور بہرحال میں یہیں پر معذرت چاہتا ہوں اس بات سے کہ شاید ممکن ہے, یعنی آپ کو یہ لگا ہو کہ میرے جواب سے آپ مطمئن ہو گئیں, لیکن ہو سکتا ہے ناظرین میں کچھ ایسے افراد ہوں کہ مطمئن نہ ہوئے. بہرحال میری جتنی صلاحیت تھی اس کے اعتبار سے میں نے جواب دینے کی کوشش کی. اور میری درخواست یہ کہ جیسے انہیں بھی اس درخواست کو سامنے رکھا کہ جو باتیں کہی گئیں, ایک انسان نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا, ان مشکلات کو ہمارے سامنے پیش کیا, میں نے بھی اپنے حد تک کی کوشش کی کہ ان کے جوابات کو پیش کروں. اب اگلا مرحلہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے ان باتوں کو سنا ہے, جنہوں نے ان باتوں کو دیکھا ہے, اب وہ آگے قدم بڑھائیں اور آئیں. اگر ان کی سمجھ میں یہ باتیں آئی ہیں تو عملی میدان میں اتر کے ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں. جی بالکل, بہت اچھے سے آپ نے مولانا صاحب ہم کو بتایا کہ جن لوگوں نے سنا ہے, سمجھا ہے, اب ان کو اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اور امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے ہمارے اس پروگرام ایک موقع سے جو چینل ون کے ذریعے نشر کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ کو بھی ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایک پرنسپل ہونے کے ناطے جب وہ اپنے وقت نکال سکتی ہیں, سماج کے لیے کچھ کام کر سکتی ہیں, تو کیوں نہیں آپ بھی کیا چاہتے ہیں کہ آپ بس گھر پہ بیٹھے رہیں اور دیکھیں, آپ کو بھی ایک موقع دیا جا رہا ہے تو آپ بھی اس موقع کو حاصل کر سکتے ہیں. ماں صاحب یہ جو ایک ٹرافی ہے ایک موقع ہے چینل ان کی طرف سے ٹوکن آف لو ہے, تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ سسٹر کو دیں اپنے ہاتھوں سے. مبارک جی سسٹر, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ٹرافی, یہ ٹوکن آف لو ہے چینل ون کی طرف سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام ایک موقع بہت اچھا لگا ہوگا, آپ اب جوابوں سے بھی مطمئن ہوں گی. تو آپ جاتے جاتے ہمارے ناظرین سے کیا میسج دینا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گی, خاص کر دھیان میں رکھتے ہوئے کہ آپ ایک پرنسپل ہونے کے علاوہ بچوں کو کیسے مینج کیا جائے, جیسے آپ نے کہا کہ خواتین حجاب کا خیال رکھیں, تو آپ کچھ اچھا سی میسج دیں کہ ایک موقع کے بارے میں. سب سے پہلی بات, میں ون چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم لا رہے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کو ایک ساتھ ملانے کے لیے, کہ میری سوچ ایک طرح کی ہے, ان کی سوچ الگ ہے, ان کی سوچ الگ ہے, ہم سب کی سوچ کو ملنے کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. دوسری چیز ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گی میری تمام لوگوں سے جنہوں نے یہ پروگرام کو دیکھا ہے اور جہاں تک میرا یہ میسج پہنچ رہا ہے, کہ بیٹیوں کی تعلیم میں پلیز اضافہ کریں. یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ آج کے زمانے میں اگر لڑکی ایجوکیٹڈ ہوگی تو ہی گھر ایجوکیٹڈ ہوگا, تو ہی اس کا آنے والا خاندان ایجوکیٹڈ ہوگا. صرف 10 کلاس اور 12 پڑھانے کے بعد لڑکیوں کی شادی کر دینے سے لڑکیوں کی پڑھائی پوری نہیں ہو جاتی. ہمیں چاہیے کہ ہم خود آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو بھی بڑھائیں, اپنے گھر کو بھی بڑھائیں اور ہمارے معاشرے کو بھی آگے لائیں. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دی تھی کہ جو ہے جھولے سے لے کے قبر تک علم حاصل کریں, یعنی ایجوکیشن ان سے مطلب ایک جرنی ہے, وہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ وہاں سے آئیں, خاص کر آپ کے ہسبینڈ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی فیملی کا کہ آپ انہوں نے سپورٹ کیا اور آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر آئے, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو مولانا صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ آئے ان کے سوالوں کا جواب دیا. اور جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے پروگرام ایک موقع کے بارے میں اور لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میری درخواست یہ ہے کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, دیکھیے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی اس بات کو کہا تھا, بس فرق یہ کہ اس وقت میں اس طرف کھڑا تھا, ابھی اس طرف کھڑا ہوں. دوبارہ اسی بات کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس طرح سے سوال پیش کیا جاتا ہے تو شاید ہمارے ناظرین کو لگے کہ یہ ان کا سوال ہے, یہ ان کی بات ہے. اب چینل ون نے ایک ذمہ داری کو پورا کر دیا کہ آپ کو گھر بیٹھے جو آپ کا سوال تھا اس کو لا کے پیش کیا, ایک ذمہ داری کو کسی دوسرے نے پیش کیا کہ بھائی یہ جو مشکل ہے معاشرے کی اس کا یہ راہ حل ہے, اس کو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ایک جملہ میں دوبارہ دہرا دوں, کوشش کریں دین کو صحیح سے سمجھیں, دین کو ٹکڑے نہ کریں, پورے دین کو فالو کرنے کی کوشش کریں. نماز پڑھ لینا دیندار بننا نہیں ہے, بالکل روزے رکھ لینا دیندار بننا نہیں ہے, سماج کو سدھارنا یہ دینداری ہے. لہٰذا آئیں, قدم بڑھائیں, آگے بڑھائیں. ایک قدم ہم بڑھائیں گے, ایک قدم کوئی دوسرا بڑھائے گا,
ایک قدم کوئی تیسرا بڑھائے گا، انشاءاللہ یہ مشکل کام بخوبی اور آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ تو یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قدم سے قدم اگر ملائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ضرور ہوں۔ انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آئے۔ سسٹر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پرنسپل سسٹر شازیہ نے بہترین طریقے سے سوال کیے۔ لیکن جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، کیا آپ اب بھی گھر پہ بیٹھے رہ جائیں گے؟ کیا اس چینل ون کے ذریعے جو ایک موقع دیا جا رہا ہے، کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اپنے سوالات لے کر آئے ہیں اور وہ یہاں سے مطمئن ہوئے ہیں؟ اگر آپ کے اندر بھی وہ جذبہ ہے قوم کو جگانے کا اور وہ سوال پوچھنے کا اور کیمرے کے سامنے آنے کا کہ آپ اپنے سوالات پوچھیں، جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ قدم سے قدم ملائیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں حصہ لینا اور ہمارے پروگرام میں ایک دن کی اینکری کرنے کا موقع پانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 9619667578۔ جی ہاں ناظرین، دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسان ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔